गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र की हुई स्थापना। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। जिला अस्पताल द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। वार्ड में कुपोषित बच्चों के लिए खेलने की सामग्री, उनके मनोरंजन का साधन के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए एक बेड भी बनाया गया है, जहां वह रहकर अपने पाल्य का देखभाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिला अस्पताल में इनके लिए कुपोषित बच्चों के लिए 14 से 28 दिन का एक समय अवधि का निर्धारण किया गया है और कुपोषित बच्चों को पोषित पुष्टाहार, फल, दूध आदि का जिला अस्पताल की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। बाल विकास आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कुपोषित बच्चों को पुनर्वास वार्ड में रखकर इनके शारीरिक और मानसिक विकास को ऊपर उठाया जाता है। 14 से 28 दिन के अंदर कुपोषित बच्चों का सामान्य वजन होने पर इनको वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा अनुरूप पोषण अभियान चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ी स्वास्थ्यकर्ता CAC द्वारा रेफर कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया है। कुपोषित बच्चों को दवा के साथ साथ निशुल्क पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। केंद्र में 10 बैग की व्यवस्था है। 14-28 दिन में जब कुपोषित बच्चे का सामान्य वजन हो जाता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अपना नाम बता दें। कंचन जी, आप जो पोषण केंद्र में हैं, क्या लग रही है, कैसी व्यवस्था है? अच्छी है। बच्चों को खेलने के और स्पेशल डाइट मिल रही है, तो सरकार की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खाना पीना सब अच्छी है। नाम प्रीति देवी है। प्रीति जी, आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे पुनर्वास केंद्र में बढ़ती हैं, क्या कहना है व्यवस्था के बारे में? यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है, बच्चों को हर एक चीज मिलता है, उपलब्ध सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जो आपके बच्चा जो है, एक कुपोषित बच्चों के लिए जो पोषण का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कार्यक्रम? इस पे जब इतना ध्यान दिए हैं तो अच्छा ही, बच्चों को हेल्दी होना अच्छा हो जाएंगे। पोषण देखा जाए एक बड़ी समस्या है, सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? सरकार हमारे जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र चलाती है, जहां अति कुपोषित बच्चे क्षेत्र से रिफर होते हैं आंगनवाड़ी स्वास्थ्यकर्ता द्वारा, MYC द्वारा और यहां के बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा रिफर होते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर सारी दवाएँ मुफ्त में मिलती हैं। 14 दिन तक बच्चों को रोका जाता है, जब वेट गेन पूरा हो जाता है तब इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। तो 14 दिन से अगर 28 दिन भी जरूरत है तो 28 दिन तक हम रोकते हैं, लेकिन इनको इस समय सारी डाइट दवा सब यहाँ निःशुल्क मिलती है। जब वेट गेन हो जाता है तब यहाँ से बच्चों को छोड़ा जाता है। कितने बेड की व्यवस्था की गई? 10 बेड का हमारे स्वीकृत है NRC वार्ड, और ये प्ले एरिया है जो आप देख रहे हैं बच्चों का। तो इसमें बच्चों का शारीरिक साथ साथ मानसिक और बौद्धिक विकास, मानसिक और शारीरिक दोनों इनका यहाँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है। अपना नाम बताओ। किस पद पे कार्यरत हैं? यहाँ पे देखा जाए पोषण केंद्र है, सरकार जो है तमाम जो है प्रयास कर रही है। किस तरह का डाइट बच्चों को दिया जाता है? सर, यहाँ पे बच्चे जो आते हैं, जैसा उनका श्रेणी होता है, हेपेटाइटिस फील होते हैं, पास होते हैं, उस अवसर उनकी प्लानिंग की जाती है। अगर पास बच्चे हो जाते हैं तो उनको मिल्क डाइट प्लस मिक्स डाइट, खिचड़ी हुआ, हलवा हुआ, मीठे में स्टार्ट किया जाता है। कितने दिन बच्चों को रखा जाता है? सर, कम से कम उसको 14 दिन तक रखा जाता है, टारगेट वेट गेन अचीव कर लिए तो, नहीं तो नहीं किया तो उसके आगे भी रखा जाता है जब तक टारगेट वेट गेन। डाइट के साथ साथ पीछे खेल कूद की व्यवस्था? हाँ हाँ, प्ले थेरेपी भी इनके साथ साथ रहती है, उसकी प्ले एरिया में आते हैं, उनको टाइमिंग होता है सुबह, शाम को, बच्चे आते रहते खेलते हैं।